हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ लार्ज स्लैब म्यू इक्वल्स टू 5/3 ऑफ थिकनेस 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ओवर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन सरफेस. इट इज सीन दैट लाइट इमर्जेस आउट ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द स्लैब फ्रॉम अ सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर. वट इज द वैल्यू ऑफ आर? की कंसेप्ट? की कंसेप्ट होगा यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब जिस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उस तरह से हम प्रोसीड करते हैं. तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. हमें बोला है कि एक लार्ज ग्लास स्लैब है जिसका म्यू हमें 5/3 गिवन है और थिकनेस 8 सेंटीमीटर है. इस placed over a point source of light on a plane surface. It is seen that light emerges out of the top surface of the slab. ये हमारा हो गया slab. यहाँ पे सोर्स है. अब जो हमारा होगा लाइट इमर्ज करेगी, तो मान लेते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर हो रहा है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होगा तो जो लाइट होगी वो पैरेलल टू द सरफेस चली जाएगी. पैरेलल टू द सरफेस ऐसे ऐसे आई और पैरेलल टू द सरफेस चली गई. तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो जो एंगल होगा वो ये 90 डिग्री होगा. इस साइड भी ड्रॉ कर लेते हैं. साइड भी ये पैरेलल टू द सरफेस चलेगी. तो यहाँ पे जो एंगल्स होंगे ये क्रिटिकल एंगल होगा, ये भी क्रिटिकल एंगल. ये एंगल जो होगा ये क्रिटिकल एंगल होगा, ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल. यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो दी हुई है म्यू इक्वल्स टू 5/3 गिवन है हमें क्वेश्चन में ही. और हमें बोला है एक सर्कुलर एरिया बन रहा है जिसकी रेडियस है आर. ये होगा हमारा सर्कुलर एरिया और इसकी रेडियस होगी आर. और जो थिकनेस दी हुई है वो है 8 सेंटीमीटर. तो थिकनेस हमारी हो गई 8 सेंटीमीटर. यहाँ से हम जो फॉर्मूला होगा हमारा टी आई आर के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, अगर रेयरर मीडियम एयर है तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है साइन सी इक्वल्स टू 1/μ. सी है हमारा क्रिटिकल एंगल, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ पे अगर प्रोसीड करें तो अंदर तो जो हमें म्यू गिवन है वो है 3/5. जो म्यू हमें गिवन है वो 5/3, तो रेसिप्रोकल साइन सी इक्वल्स टू 3/5. यहाँ से जो हमारी सी की वैल्यू आएगी वो आएगी 37 डिग्री. मतलब जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वह 37 डिग्री. और अगर हम इस ट्राइंगल में ए बी सी, अगर ट्राइंगल ए बी सी 10 सी निकालते हैं तो ये तो ये वाली जो लेंथ होगी ये तो 8 है क्वेश्चन में हमें गिवन है. अगर हम 10 सी निकालें, सी क्रिटिकल एंगल है, ये हो जाएगा आर बाई 8. और ये हो गया हमारा आर बाई 8 और जो हमारा 37 डिग्री वो होता है 3/4. 3/4 इक्वल्स टू आर बाई 8. यहाँ पे जो सी है उसको हमने 37 डिग्री फिट किया है. यहाँ से जो हमारी आर की वैल्यू आएगी, आर आएगी वो आएगी हमारी 6 सेंटीमीटर. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर. Hope you understood it well. Best of luck.